this is me, Vizan. Welcome back, and we're doing this video. शहर में जैसे कि आपको पता है कि हम बसेस के ब्लॉग्स बनाते हैं, डिफरेंट सिटीज में एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ की ट्रांसपोर्ट को रिव्यू करते हैं, तो हमें काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप छोटे शहरों में भी जाएं, उस तरह के शहरों में जाएं जहाँ पर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना बाकी शहरों में है। तो इसलिए आज मैं मौजूद हूँ खारिया में, जो कि झेलम वाली साइड पर आता है। तो आज हम ट्रैवल करेंगे पाकिस्तान एक्सप्रेस की नोवा बस सर्विस पे। इस इलाके में मतलब कैमरा मैन को इतना तो खास सिस्टम नहीं है बसेस का। तो पाकिस्तान एक्सप्रेस ने अपनी नई इनॉग्रेशन की है, अपनी नई सर्विस लेके आए हैं। वो जो स्टार्ट की है वो भी बहुत मतलब एक अच्छे किस्म का की है, जिसमें यूटोंग नोवा डबल क्लास बसेस हैं। तो यार मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैं आपको बस का भी रिव्यू करवाता हूँ, इनके साथ सारी डिटेल्स लेंगे कि कौन कौन से शहरों में जाती हैं, लाइक खारिया से मतलब खारिया से कराची का जुड़ता है, इसमें किस तरह के शहर आते हैं, वो सारा कुछ आपको बताएंगे। तो आए उसके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं, तो ये खारिया से कराची का रूट है, बरासा, सराय, आलमगीर, झेलम, दीना, रुमेली मोड़, दौलताना। तो मोटरवे से जाती है, आपका सफ़र बड़ा आरामदा होता है। लेटेस्ट यूटोंग बसेज हैं, मतलब हर टाइप से ये जो मॉडर्न दौर है उसको फॉलो कर रही होती हैं। उसका आपको थोड़ा सा मैं आगे चल के रिव्यू भी करवा देता हूँ कि हम इस पर ट्रैवल करते हैं। अभी सुबह के तकरीबन 10 बज रहे हैं, तो डिपार्चर टाइम यहाँ से 10:15 बजे है, यहाँ से हम निकलेंगे और फिर आपको ऐसे ऐसे सारे यहाँ के स्टॉप दिखाते जाएंगे। साढ़े 10 हो रहे हैं पूरे टाइम पे, बस हमारी टर्मिनल से निकल चुकी है। अभी आपको रास्ते दिखाता हूँ, ये मैं आते हुए मैंने एक्सप्लोर किए हैं थोड़े से, तो बड़े मतलब डिसेंट रास्ते लगे हैं यहाँ पे। पहले मैं कभी नहीं आया था, तो आते हुए थोड़ा मसल होते हुए आया था। अभी मैं आपको दिखाऊँगा। ये मीना को इस टाइम कुछ कराची वाले को चलते हो गए। सही सही, ठीक है। ये किराया इसका कराची का 3800 रुपये खा रही है। अच्छा, ठीक है। एक दिन एक टाइम का खाना भी देती है मुस्कान शाम का। सही सही, ठीक है। इधर 10:30 बजे से सुबह रवाना होती है, ठीक है। शाम को सुबह 6 बजे कराची। ये बहुत अच्छी गाड़ी है,
ये तो समझो जहाज ही बन गया, बिल्कुल जहाज ही है, जहाज वाला सफर है बिल्कुल जी। 17-18 घंटे में सफर कर जाना। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। ये कौन सी जगह है और ये यहाँ से सर्विस के बारे में बताएं थोड़ा। सर ये सराय आलमगीर है। अच्छा, और यहाँ से गाड़ी रवाना होती है 11 बजे। ठीक है, 11 बजे यहाँ से भी किराया वही सेम है जो 3800 किराया। सही होगा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। बस के अंदर आप जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे आपको किस तरह के फीचर्स मिलेंगे उसके बारे में आपको थोड़ा बताना चलूँ। तो यहाँ पर आपको सीट जो है सीट बहुत कंफर्टेबल मिलेगी। सीट ये यूटोंग की लेदराइज सीट्स है न्यू जनरेशन की, इसके अंदर आपको रिक्लाइनिंग फीचर्स भी मिलते हैं, मतलब आप इस सीट को पीछे भी कर सकते हैं। आपको ऑप्शन दिया गया ये, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो ये बेंड हो जाती है, पीछे हो जाती है, जिससे आप थोड़ा मतलब ओवर कम्फर्टेबल हो जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको फुट रेस्ट भी मिलता है, फुट रेस्ट आपके पैरों के आराम के लिए होता है। देन यहाँ पे आपको अपना सामान रखने के लिए आपको भी अपना छोटा मोटा मतलब कोई भी सामान हो, खाना रखना, टेबल भी दिया गया है जिसका अपना कप रख सकते हैं। एंड देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर फॉर दिस रूट द वीडियो ऑन डिमांड सिस्टम, जो कि अगेन बहुत अच्छा फीचर दिया गया है आपको पूरे सफ़र में, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है, इसमें आप बोर नहीं होंगे। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिससे मतलब आपका टाइम अच्छा गुजर जाएगा। और सेकेंड इसमें चार्जिंग की फैसिलिटी भी है, आपके मोबाइल की अगर चार्जिंग खत्म हो जाती है तो आप उसको बस के अंदर से चार्ज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा फीचर है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर किसी के लिए। तो इस मतलब काफ़ी ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं मतलब। और यहाँ पे आर्म रेस्ट भी दिया गया जिससे आपके बाजू नहीं थकते। और यहाँ इसका एसी भी काफ़ी चिल किस्म का है, आप ये सेफ्टी है बस देख सकते हैं। अगर इन केस ऑफ एमरजेंसी यहाँ पे कोई इशू आ जाता तो आप वो पीछे आपको विंडो के ऊपर एमरजेंसी एग्जिट लिखा हुआ नजर आएगा, आप ये वहाँ पे जाके प्रेस करेंगे तो वो टूट जाता है और आप वहाँ से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा सफ़र रहेगा, आप इस रूट पर ट्रैवल कर सकते हैं।
है जी पीर पलाई का स्टॉप, डिफरेंट स्टॉप्स आते हैं जहाँ से आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये अभी पीर पलाई जगह है, मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना है नेम, लेकिन हम डिफरेंट प्लेसेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, सो ये भी एक मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है। चकवाल में भी हमारा स्टे हुआ था, ये चकवाल का टर्मिनल है, बस टर्मिनल है, ये आप देख सकते हैं यहाँ के सीन्स। चकवाल भी काफ़ी एक फेमस सिटी है, मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ। सो अभी बस का 5 मिनट का स्टॉप है, बस दूसरी साइड पे खड़ी हुई है, लारी अड्डा प्लेस है ये वाली। ये पाकिस्तान एक्सप्रेस का चकवाल टर्मिनल है, अगर आपने यहाँ से ट्रैवल करना हो। बेसिकली ये पाकिस्तान एक्सप्रेस चकवाल से बिलोंग करती है, इनके ऑनर्स यहाँ के हैं, सो ये कंपनी यहाँ की है। ये इस सिटी से इस सर्विस का मतलब जो आगाज़ किया गया था, जिन्होंने आगाज़ किया था वो इस शहर से किया था। ढाई बज रहे हैं और हम चकवाल सिटी में पहुंच चुके हैं। चकवाल सिटी काफी प्यारी है, मैं पहली बार आया हूँ। ट्रैवल एक्सपीरियंस करके पहुंच चुके हैं। ये हमारे पीछे जोंगटोंग खड़ी है, अभी हम नोवा पे आए हैं, पीछे वो देख सकते हैं यूटोंग आ गई है। और मतलब हमने चकवाल वाली साइड पे हम इसलिए गए थे कि हमने रात को एशिया स्टार का ट्रैवल व्लॉग बनाना है, तो उसका वेट कर रहे हैं, वो भी आएगी। मतलब इनकी सर्विसेज सारी फ्लो में चल रही है, आप ये देख सकते हैं ये बशाम से आई है। तो पाकिस्तान एक्सप्रेस के पास मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल सर्विस मौजूद है, फ्लीट बहुत पावरफुल हो चुका है। आई विल रिकमेंड कि आपने मतलब इनके रूट्स पे अगर ट्रैवल करना हो तो आप इनको लाजमी ट्राई करें, बहुत अच्छी सर्विस है। कराची ठीक है।